समर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और यही टाइम है आइसक्रीम्स बनाने का। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशा और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस है खाने में। दिस इज एन ऑसम रेसिपी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉबेरीज भी डालेंगे। नो एग्स, नो आइसक्रीम मशीन, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए हैवी क्रीम या डबल क्रीम, कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस और स्ट्रॉबेरीज। आइसक्रीम बनाने के लिए पहले क्रीम को व्हिप करना है। उसके लिए जो बॉल हम लेंगे, मेक श्योर कि आप उस बॉल को फ्रीजर में 20 मिनट के लिए रखकर इसे चिल्ड कर लें। अब इस चिल्ड बॉल में डालेंगे हमारी बिल्कुल ठंडी क्रीम और हैंड बीटर से या हैंड विस्कर से बीट करेंगे जब तक क्रीम बिल्कुल थिक फॉर्म हो जाए। परफेक्ट स्टिफ पीक। अब ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस मिक्स करेंगे। अब हैंड बीटर की हेल्प से फिर से बीट करेंगे ताकि क्रीम, कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस क्रीम मिक्सचर को फ्रिज में रख देंगे, तब तक हमारी स्ट्रॉबेरीज को रफली चॉप करेंगे लाइक सो। अब स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंडर में और मिक्सी में डालकर थोड़ी सी शुगर भी डालकर ब्लेंड करेंगे और बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनाएंगे। अब इस प्यूरी में हमारे ठंडी हुई क्रीम मिक्सचर को पोर करेंगे और ब्लेंड करेंगे या मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज कंटेन वाटर और इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक पोरिंग हो जाएगी लाइक सो। बट डोंट वरी, ये फ्रीजर में 6 to 8 आवर्स फ्रीज करने के बाद परफेक्ट आइसक्रीम बन जाएगी। अब इसमें थोड़े से व्हाइट चॉकलेट चिप भी डालेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज चॉप करके डालेंगे और कंटेनर को कवर करके फ्रीजर में 6 to 8 आवर्स और प्रेफरेबली ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने के बाद 2 से 3 बार हर घंटे में स्टर करें फोक की हेल्प से और फिर ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रख दें, तो आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आइसक्रीम को स्कूपर की हेल्प से निकालेंगे। अगर आइसक्रीम ना निकले तो स्कूपर को गर्म पानी में डिप करके फिर आइसक्रीम निकालेंगे, इससे आइसक्रीम ईजिली निकल जाती है। इस रिच क्रीमी ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को सर्व करेंगे। यम। अगर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाते हैं तो इसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।